नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बहनों भाइयों को। हैप्पी न्यू ईयर 2023। प्रकृति करे ये जो नया साल है वो आप सबके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग, सक्सेस सब कुछ लेकर आए। नरेंद्र शर्मा पीजीटी संस्कृत जी बोलने वाली हूँ इसके बारे में। बिंदिया धीमान हेलो। नीरज कुमार राम राम। राकेश ग्रेवाल गुड इवनिंग। राजपानू राम राम। बिंदिया धीमान आई एम गुड सिस्टर हाउ आर यू। हैप्पी यादव एचकेएन में तो वही लगेगा जिनकी इनकम कम है, बाकी तो फॉर्म ही मत भरो। किसी की इनकम 1.80 से कम नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। सब एक्सपीरियंस वालों को तो लेते हैं, खैर इस बार शायद फ्रेशर्स को ले रहे हैं और टोटल वैकेंसीज भी नहीं बताई है। रॉयल नवित यादव गुड इवनिंग भाई। विजेंद्र सिंह नमस्कार, आपको भी शुभकामनाएं। संदीप राम राम भाई। बिट्टू नमस्कार। श्रवण कुमार गुड इवनिंग। उमेश भारद्वाज हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। संदीप कुमावत हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर। सियासते में एक्सटेंशन लेक्चर का इंटरव्यू 8 दिसंबर को था, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हुआ है। मैडम गवर्नमेंट एचकेएन से पोस्ट किफ्ट करना चाहती है, इट माइट बी पॉसिबल। गुरदीप नव गुड इवनिंग। संदीप हेलो। राजेश कुमार नहीं लिया है जी एक्सपीरियंस वालों को। जी मैं यही कह रहा हूँ, इस बार शायद फ्रेशर्स को लिया है। देन ऑल्सो 1.80 जो का जो क्राइटेरिया समझ नहीं आता, अंत्योदय ये सब कुछ। चलो इन सब के बारे में बात करेंगे, आप लोग जुड़ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ना वो जो पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें एचपीएससी की बहुत सारी विभिन्न वैकेंसीज में 50% का क्राइटेरिया दिया है क्वालिफाई करने के लिए प्लस नेगेटिव मार्किंग, विच इज नॉट ईजी टू अचीव। तो उसके रिगार्डिंग भी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार ना बैकफुट पे जाती हुई नहीं नजर आ रही है। सरकार एकदम एडमेंट हो गई है और सरकार को बस ये थोपना ही है अभ्यर्थियों के ऊपर। तो ऐसे में अभ्यर्थी क्या करें, ऐसे अभ्यर्थी जो अपने घरों से नहीं निकलना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं। हरियाणा की प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम पता क्या है कि यहां पर युवाओं को सब कुछ घर बैठे बैठे चाहिए, और ऐसे में लड़ाई जब हम एक एकजुट होकर नहीं लड़ सकते हैं सड़कों पर आकर, या सरकार से बात नहीं कर सकते इकट्ठे होके, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप लोग, कैसे योगदान दे सकते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे और जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो जुड़ते जाएंगे, स्टार्ट करते हैं। हमारी सरकार ठेकेदार, हरियाणा सरकार ठेकेदार, साफ साफ बोलूंगी, सीधा सीधा बोलूंगी। इन्होंने आते ही कहा था कि हम ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करेंगे, ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे, लेकिन सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। और बनी थी किनके लिए, कि जो ठेकेदारों के द्वारा छोटे कर्मचारी लगाए जाते थे कहीं पे भी, जैसे एमसी में लगा दिया, एमसीडी में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, उनका शोषण करता था ठेकेदार, तो उनको शोषण से बचाने के लिए ये थी ठेकेदारी व्यवस्था जिसकी सरकार ठेकेदार बनी थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम शुरू ही उसके लिए हुआ था, लेकिन सरकार के ऊपर बार बार आरोप लग रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अब देखो ना, दिसंबर 2022 में जो सीएमआईई का आंकड़ा आया है उसमें हरियाणा दोबारा से नंबर वन आया है बेरोजगारी में, 30.6% के साथ हम पहले नंबर पर खड़े हैं बेरोजगारी में लगातार पिछले 2.5 साल से। ऐसे में सरकार को अब लगाने हैं भैया, एम्प्लॉयमेंट तो देना ही है, और एम्प्लॉयमेंट इनसे रेगुलर दिया नहीं जा रहा है। रेगुलर ये सारी भर्तियां पीछे रद्द कर चुके हैं, सीईटी करवा चुके, उसका रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। सीईटी में भी अभ्यर्थियों की ये बात नहीं मान पा रहे हैं कि ज्यादा प्रतिशत बढ़ा दें सेकेंड स्टेज पे, तो इनके लिए बड़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। तो इन्होंने सोचा शिक्षकों की भी कमी है, क्यों ना एचकेआरएन के माध्यम से भर देते हैं। सबसे ज्यादा जो वर्ग आवाज उठा रहा है वो है शिक्षकों का वर्ग, टीचर्स की कमी है, एक्चुअल में कमी है। अब बहुत सारे स्कूल इन्होंने मॉडल संस्कृति बना दिया, सीबीएसई को हैंड ओवर कर दिए, हरियाणा बोर्ड को खत्म करने की पूरी इनकी स्कीम चली हुई है, वहां पर भी दे दिए, फिर भी टीचर्स की कमी चल रही है। तो टीचर्स की कमी पूरी कैसे हो सकती है, चलो इनको ठेके पे लेते हैं, दिहाड़ी पे लेते हैं। बहुत सारे जो हरियाणा का युवा है ना, 50-60%, मैं कहूं 60-70%, सबके सब एस्टेट की क्वालिफिकेशन लिए बैठे हुए हैं, सबके सब टीचर्स की क्वालिफिकेशन लिए बैठे हैं। तो ऐसे युवाओं को एंगेज करना बेहद जरूरी है। पहले इन्हें भर्तियां निकाल निकाल कर एंगेज किया गया, 2015 से मैं बात करूंगी, 2019 में इनकी भर्ती निकाली, फिर उसके बाद ड्रामा रचा कि एचएसएससी नहीं ले सकता है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एचपीएससी लेगा, फिर उसके बाद लास्ट में इन्हें ठेके से भर्ती करने की कवायद शुरू कर दी। अब तो वैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं, नौकरियां देनी ही देनी पड़ेंगी, नौकरियां नहीं देंगी तो किरकिरी हो जाएगी सरकार की, और रेगुलर भर्ती इनसे होगी नहीं जैसे इनके हालात नजर आ रहे हैं।
तो ये सब इन्होंने थोड़ा खिचड़ी विचड़ी पकाई और सरकार खुद ठेकेदार बन गई और बैकडोर से इन्होंने एंट्रीज करना शुरू कर दिया। बैकडोर से एंट्री मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये बार बार चिल्लाते हैं मेरिट आधार से भर्ती, मेरिट फलाना भर्ती, लेकिन ये किसी की क्वालिफिकेशन नहीं बता रहे हैं। जो भी इन्होंने चयनित किया उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई है। आज भी जो नोटिस हम पढ़े, हमने पढ़ा और जो मैंने पेज के ऊपर डाला उसमें मैंने पूरा पढ़ा, उसमें कहीं पे भी कितने ये पीजीटी या कितने टीजीटी लेने वाले हैं कहीं मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? आप दो लिस्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं ना, अब ये तीसरी लिस्ट आप लगाने जा रहे हैं। पता नहीं तीसरी आपने पीछे लगाई है नहीं लगाई है, या फिर ये लगाने जा रहे हैं तो कितने लगाने जा रहे हैं? पहले वाली लिस्ट में कितनों ने आवेदन किया था, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी जिन्होंने आवेदन किया था, और जिसको आपने लगाया उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, और अब जिनको लगाने जा रहे हैं वो कितने लगाने जा रहे हैं और कितने लोग आपके पास अप्लाई करेंगे? हमें तो सब डाटा चाहिए लेकिन ये देंगे नहीं। ये पारदर्शी सरकार है, ये मुंह से बोलती है कि हम पारदर्शी है लेकिन ये बताती कुछ नहीं है, पर्दे के पीछे इनका सारा सिस्टम चलता है। हाँ, बोलने के लिए पारदर्शी है। अब इनका एक और हम पकड़ते हैं झूठ, पीजीटी संस्कृत की भर्ती पिछले 8 साल से लंबित है। 2015 में इनका रिजल्ट दे दिया, 2015 की भर्ती है सॉरी, उसके आगे इनका रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट दिया तो ये लगाए नहीं, ज्वाइनिंग नहीं दी, इनकी भर्ती रद्द कर दी इन्होंने। 2021 में रद्द हुई थी शायद, ये अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, कोर्ट में कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई, इन्होंने नई भर्ती निकाल ली, वो भी वापस लेनी पड़ेगी। और अब इन्होंने क्या चालाकी की है हरियाणा सरकार की, मैं यहां चालाकी सारे हरियाणा को बताना चाहती हूं कि पीजीटी संस्कृत मामले में हरियाणा सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि पीजीटी संस्कृत की पोस्ट इनके पास सरप्लस है, ये पीजीटी नहीं लगा सकते हैं। और तुम्हारे पास यदि पीजीटी संस्कृत की पोस्ट सरप्लस है तो तुम एचकेआरएन के माध्यम से कैसे निकाल रहे हो? 30 दिसंबर 2022 को तुम्हारे नोटिस में पीजीटी संस्कृत का नाम भी कैसे आ रहा है यदि तुम्हारे पास सरप्लस है तो? असल बात यह है कि तुमने वो रेगुलर परमानेंट भर्ती वाले जो खुद के दम पे सिलेक्ट होके बच्चे आए हैं ना, वो नहीं लगाने हैं, तुम्हें लगानी है बैकडोर एंट्री। कमाई तो एक्चुअली वहीं से ही हो रही है, तो कमाई भी तो करनी है सरकार को, आगे इलेक्शन भी तो लड़ना है, पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं, तो ये सब ड्रामा वहीं का ही तो चल रहा है। नहीं है ये ड्रामा तो बताओ ना किस किस की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, बट नहीं बताना है। अब कोर्ट में ऐसे एफिडेविट देते हैं ये महानुभाव, जहां इनकी सरप्लस होती है भर्तियां, बाहर ये उन्हीं भर्तियों को ठेकेदारी सिस्टम से अनाउंस कर देते हैं। ये है हमारी सरकार का पारदर्शी ईमानदारी निष्पक्ष बिहेवियर, ये है अच्छे ईमानदार प्यारे लोग। इन्होंने जो रेगुलर पीजीटी की भर्ती निकली, अब कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हम क्यों करते हैं या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती क्यों करती है? स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, वो क्या अरेंजमेंट होता है कि जब तक परमानेंट भर्ती ना हो तब तक टेम्परेरली हम कॉन्ट्रैक्ट पे इन इनको ले रहे हैं। लेकिन ये चालाक हरियाणा सरकार ने किया क्या कि रेगुलर में ये पोस्टें नहीं निकाली, रेगुलर में नहीं निकाली, कॉन्ट्रैक्ट में निकाल दी। कहने का अर्थ ये है कि इन्हें रेगुलर में पोस्ट निकालनी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में निकाल के इन सारे टीचर्स को परमानेंट करने की साजिश है, साथ ही इन टीचर्स को आजीवन आधे से कम तनख्वाह में काम करवाना है इनसे। ये है पढ़े लिखे एसटेट युवा कोई फेयर सिलेक्ट हो गया तो, आई डू नॉट नो, यदि हो गए तो वो आजीवन इनके दिहाड़ी मजदूर बने रहेंगे, आजीवन आधी तनख्वाह पे काम करेंगे, आजीवन लड़ते रहेंगे समान काम समान वेतन, ये सब करते रहेंगे। और एक्चुअल में ये पता क्या है, ये नए ही टाइप का शोषण है, नए टाइप का हरासमेंट है। ये एक्चुअली बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगार युवा इतने ज्यादा मैं कहूं लाचार हो गए हैं ना, तो उनकी लाचारी का फायदा उठाना, उनकी लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है, ये भी है साथ में। एनीवेज, इन महानुभवों के इंटेलिजेंट हरियाणा सरकार और इनके अधिकारियों, आप दोनों को मैं कहना चाहूंगी, सुनिए आप, आपके पैरामीटर्स क्या है सिलेक्शन के, आपके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के पैरामीटर्स, जिसको आप कहते हो ना मेरिट व्यवस्था, आपका मिशन मेरिट, उसका उसके पैरामीटर्स है वेटेज टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स, बस 150 में से 10 अंक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, ये इनकी मेरिट बेस्ड व्यवस्था है।
कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विपक्ष का नेता ढंग से खड़ा होकर इनसे सवाल पूछने लग जाए ना, तो इनके मुंह में जुबान ना रहे, इनके पास कोई जवाब ना रहे, विधानसभा में कोई ढंग से इनसे क्वेश्चन पूछ ले तो इनके पास जवाब ना हो कि ये क्या, इसका जवाब दे, क्या मेरिट बेस्ड व्यवस्था है 10 नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, इसे बोलोगे तो मेरिट बेस्ड व्यवस्था। एनुअल फैमिली इनकम को 40 अंक दिए हैं, अंत्योदय वाली मुख्यमंत्री की जो योजना है उसको 50 अंक दिए हैं, 90 अंक तुम आय को दे रहे हो मेरिट बेस्ड व्यवस्था में, उसके बाद 15 अंक तुम एज को दे रहे हो मेरिट बेस्ड व्यवस्था में, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक को 5 अंक दे रहे हो मेरिट बेस्ड व्यवस्था में, उसके बाद तुम रेजिडेंस को 10 अंक दे रहे हो मेरिट बेस्ड व्यवस्था में। ये तुम्हारी मेरिट बेस्ड व्यवस्था, ये तुम्हारा मिशन मेरिट, तुमने एक्चुअली हरास कर दिया है, तुमने एक्चुअली फ्रस्ट्रेट कर दिया है हरियाणा के पढ़ने लिखने वाला जो युवा वर्ग है ना, जो मेहनती वर्ग है, जो हार्ड वर्किंग है, उसको संपूर्ण तरीके से तोड़ने की साजिश चल रही है हरियाणा सरकार की, और एक ऐसा ढंग का नेता नहीं जो खड़ा होकर इनके लिए आवाज उठा दे और डट के खड़ा हो जाए मुख्यमंत्री के सामने और सरकार के सामने। हिम्मत है खड़े हो ना, इनसे सवाल पूछो, क्यों नहीं पूछते हो? मेरिट बेस्ड व्यवस्था, एस्टेट के 20 अंक, अरे एस्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं तो एस्टेट के अंक जोड़ो ना जोड़ो एक एक एक, एक समान, लेकिन 10 अंक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, 90 अंक आय के, 15 अंक एज के, 10 अंक रेजिडेंस के, 5 अंक सोशियो इकोनॉमिक के, डू हेल विद योर मेरिट बेस्ड व्यवस्था। आपको पता ही नहीं है मेरिट होता क्या है, क्यों ना कहूं मैं आप अनपढ़ सरकार है, क्यों ना कहूं अनपढ़ मंत्री भरे पड़े हैं सरकार के अंदर, क्यों ना कहूं और क्यों ना पूरा पूरा हरियाणा कहे अनपढ़ों की सरकार, अनपढ़ कहीं के, अनपढ़ों को यह भी नहीं पता कि मेरिट क्या होता है। मेरिट बेस, मेरिट बेस, मेरिट बेस, कानों में से खून निकाल दिया है मेरिट बेस बोल बोल के। जो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है ना, जिसके मां बाप गलती से नौकरी पे लगे हैं, उसको पनिश कर रहे हो आप लोग। जो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, जिसने सपना देखा है नौकरी लेने का, और असल में यही वर्ग नौकरी के लिए तैयारी करता है, नौकरी पेशा वर्ग के बच्चे ही नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, आपने उनको संपूर्ण तरीके से खत्म करने का एक नया ढकोसला ढूंढ लिया है। HKRN सरकार ठेकेदार, सही लिख रहे हैं यार एक भाई, मारे गए पढ़े लिखे, मार दिया पढ़े लिखों को, ये सोचा गया योजनाबद्ध तरीके से कि ऐसे वर्ग को कैसे खत्म किया जाए, ये है तुम्हारे तरीके अनपढ़ कहीं के। नया तरीका शोषण का ढूंढ रखा है, गजब ही तरीका हरियाणा सरकार शोषण का, ऐसा तो तरीका मतलब पास्ट में भी किसी ने नहीं ढूंढा होगा, जैसा आप लोगों ने यहां पे इजाद कर दिया है। क्या है ये हरकतें, व्हाट इज दिस? कोई पेपर लेना नहीं, कोई कुछ नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए, पैसे इकट्ठे करे, भर्ती रद्द करी, चलो मेरे भाई, उसके बाद वो भर्ती निकाली ही नहीं रेगुलर से, उसके पैसे हड़प गए, हजम कर गए, और वो भर्ती रेगुलर में निकालने के बजाय HKRN में निकाल रहे हैं। स्टॉप गैप अरेंजमेंट, क्या स्कीम है, क्या करना चाहते हैं, सब दिख रहा है, इट इज नॉट दैट कि इट इज नॉट विजिबल, इट इज, भले ही इसे विपक्ष ना उठाए, भले इसे मीडिया ना उठाए, भले इसे कोई ना उठाए, लेकिन पढ़ने लिखने वाला बच्चा, हर एक हरियाणा का बच्चा इस चीज को जानता है। और मैं कहूंगी इसे याद रखो, जब तुम्हारी दहलीज पे कोई वोट मांगने आए ना, तब सवाल करना है ये सारे के सारे। भावी अध्यापक एस्टेट पास हुआ, मतलब सबको तहस नहस करने की स्कीम है ये सारी कुछ। HKRN जिनके लिए बनाया था ना छोटी मोटी नौकरियों के लिए, उनके ऊपर क्यों नहीं रखा, क्यों पीजीटी तक आ गए हैं, क्यों बेच रहे हैं नौकरियों को, टेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, एग्जाम क्यों नहीं लेते हैं इन सबका, और एग्जाम लेने के बारी आती है तो 50% नेगेटिव मार्किंग की कंडीशन के साथ, एडीओ वाला जैसा हाथ, क्यों भाई, क्यों 50% नेगेटिव मार्किंग कंडीशन, ये भी नहीं भरना चाहते हैं ना पूरी की पूरी। इनमें भी एक्चुअली इन्होंने खेल किया है, जो फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक के कैंडिडेट्स हैं, जितनी पोस्ट एडवर्टाइज की गई है ना, उतनों से कम है, हमारे हरियाणा के सारे बच्चे लग जाएंगे, और मैं इस चीज में खुश थी। लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या कहा किया है कि उनका टेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इनकी मेन मंशा तो यही है ना कि सीटें खाली छूटनी चाहिए ताकि उसे बैकडोर एंट्री से भरे, मेरिट बेस्ड व्यवस्था फिर चिल्लाए पारदर्शिता से भर्ती कर दी, जिसमें किसी की क्वालिफिकेशन ये ना बता सके, ये सब चीजें। मतलब मैं सीरियसली आज मैं बोलना चाहती हूं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे कम पड़ गए थे, जाट नॉन जाट कम पड़ गया था,
नॉन पटेल कम था। मैं सारे संपूर्ण भारत की बात कर रही हूँ, हरियाणा की बात करते चलो। जाट टू जाट कम पड़ गया था क्या? जा अब ये आय के आधार पर लोगों को बांटने के लिए निकल गए हैं, जो नौकरियां आय के आधार पर देने के लिए निकल गए हैं, ये कम थी क्या? वैसे ही नफरत बांट रहे थे ना, तो वैसे ही बांटते रहते। क्या दिक्कत थी यहां पर? ये क्यों कर दिया? ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? पढ़ने लिखने वाले बच्चे को फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग दिस? नाइंसाफी है ये, अन्याय है ये, शोषण है ये, बर्बादी है ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों की। और मैं आप सबको ये कहूंगी कि मैं कितना भी बोल लूं, कुछ भी कर लूं, कैसे भी कर लूं, मेरे अकेले के कहने से भी कुछ नहीं होगा। सरकार इस चीज के ऊपर नहीं पीछे जा रही है, और नहीं पीछे जा रही है तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। युवा वर्ग चुप नहीं बैठ सकता है। हरियाणा इतना कमजोर कैसे हो गया? हरियाणा के युवा ऐसे कमजोर कैसे हो गए? हम क्यों जो भी हम पे थोपा जा रहा है उसे मानते चले जा रहे हैं? जो भी हमारी प्लेट में हमें गंध दिया जा रहा है हम उसे खा रहे हैं? क्यों क्यों क्यों? मेरा क्वेश्चन है, क्यों क्यों नहीं इसके लिए कोई कुछ कर सकता है? सड़कों पर नहीं उतर सकते ना, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने के लिए आ रही हूं अभी मैं। टेलीग्राम ग्रुप एक बनाऊंगी HKRN के विरोधी सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं पढ़ने वाले, और जो 50% और नेगेटिव मार्किंग के लिए संघर्ष करना चाहते हैं वो सब उसमें जुड़े, सब जुड़ेंगे। सबसे पहला तो ये है कि आप हम सबको इकट्ठे होना है, ये जो भी इन सब चीजों के विरोधी है ना उन सबको एक जगह इकट्ठे होना है, क्योंकि आप बिखरे हुए हैं। चार लोग कहीं है, एक लोग कहीं, अलग अलग मुझे कॉल करते हैं, मैं सबकी कॉल्स भी नहीं अटेंड कर सकती हूं, मैं सबसे बात भी नहीं कर सकती हूं अलग से, मेरी भी कुछ प्रैक्टिकल है दिक्कतें। तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं। दूसरा, हम ये जानते हैं कि जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा विपक्ष है राहुल गांधी, वो हरियाणा में अब दोबारा आ रहे हैं सेकंड चरण में, तो हम एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। ट्विटर कैंपेन के हैशटैग्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। दो हैशटैग हम चलाएंगे जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, सारी सारी चीजें मैं उसके अंदर डाल दूंगी, और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ उस चीज को शेयर करूंगी। तो हम उन्हें टैग करेंगे, हम मोदी जी को टैग करेंगे, और हम हमारे मुख्यमंत्री को टैग करेंगे। हम इन तीनों को टैग करेंगे। जानबूझ के मैं राहुल गांधी का नाम ले रही हूं, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं और कर रहे हैं ना यहां पे आके रैली, तो उन्हें पता लगना चाहिए। तो एक दिन का, पूरे दिन का ट्विटर कैंपेन रहेगा, और प्लीज इसमें सबके सब साथ देना, सबके सब, सबका मेरे को संपूर्ण साथ चाहिए, पूरे दिन साथ चाहिए। हर एक आदमी कम से कम 100-100 कर दे ट्वीट्स। ट्विटर डाउनलोड करें, कैसे क्या करते हैं उसमें प्लीज सीखें आप चीजें, और उस चीज को मैं करती हूं यहां पे, आपको हैशटैग्स वगैरह देती हूं, और हम ये लोग करेंगे, ठीक है, ये चीज करेंगे। उसके अलावा जो हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे उसमें आप अपने सुझाव देना, यहां कमेंट में भी दे सकते हैं और उसमें भी सुझाव देने हैं कि हम क्या कर सकते हैं। TGT वाले भाइयों को भी कहूंगी कि वैकेंसी निकलनी थी ना HSSC से, कहां गई वो वाली वैकेंसीज? क्या हुआ उन वैकेंसीज का? कुछ भी बोला इन्होंने, कुछ भी किया, उसको ठीक करके इनको हफ्ते में डालनी थी ना, दोबारा रीएडवर्टाइज करनी थी ना, ये क्या कर दिया? वाली वैकेंसी भी आपने सीधे HKRN में दे दी, सब ठेके से, हमारी सरकार ठेकेदार, हमारी सरकार ने कहा था ठेका व्यवस्था खत्म करेंगे, हमारी सरकार ने ठेका व्यवस्था खुद अपने अंडर ले ली, खुद ठेकेदार बन गई। तो मुझे तो देखिए, मैंने तो बात बात करके देख ली थी अपने लेवल पे, तो मुझे जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगते हैं वो यही लगते हैं कि पहला हम इकट्ठे होते हैं उसमें डिस्कस करते हैं, और दूसरा हम एक ट्विटर, सफल ट्विटर कैंपेन चाहिए मुझे, सफल ट्विटर कैंपेन। मैं खुद पूरे दिन लगी रहूंगी, मैं ये बोलती हूं आपको, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मैंने तो कोई TGT PGT कुछ नहीं भरना, मैंने तो कहीं कोई वैकेंसी नहीं भरनी, मुझे तो कहीं कोई एग्जाम नहीं देना, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन लगी रहूंगी, और मैं आपसे आप लोगों का पूरा एक दिन चाहती हूं कि आप पूरे दिन लगे रहे उस दिन, और चलो हम टैग करते हैं राहुल गांधी को। मैं चाहती हूं कि वो ना जब यहां पे खड़े होके रैली करें ना, तो हमारे मुद्दे उनके पास इतने आ जाए, उनकी टीम के पास इतने आ जाए कि वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए कि हाँ ऐसा कोई मुद्दा है, वो आदमी बोले इस चीज को। प्लीज ये करें, ये करना है। वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स इन आवर हैंड्स।
इफ आई से कि हम सड़क पे उतरते हैं तो क्या आप लोग आओगे? कितने लोग आओगे? कितने दिन तक कैसे आंदोलन चलेगा? क्या करेंगे हम लोग? मैं जानती हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये पुलिस वाले बच्चे बैठे हुए हैं इतने दिन हो गए, किस कितनों ने उनकी आवाज सुनी, कितने लोग उनके पास गए, सरकार के कानों पे जू तक रेंग रही है, पीटीआई वालों ने कितना बड़ा आंदोलन कर लिया, कहां चोट लगती है इन्हें जहां इनका मुद्दा सेंटर तक पहुंचता है, पहुंचाते हैं ना फिर सेंटर तक, ठीक है। उसके बाद लेटर मुहिम चलानी है या नहीं, गवर्नर ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करना है या नहीं, उन तक भेजने हैं या नहीं, उन सब के ऊपर मैं बात करूंगी, उन सब के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए। ओके, इसी के साथ मतलब आज मैं सोच रही थी कि लाइव आऊंगी और नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगी, लेकिन ये लेटर पढ़ के ना मतलब दिल एकदम तिल मिला गया। क्या नववर्ष हमारा, क्या आपने दिया है, ये तोहफा दे रही है हमारी सरकार हमें, तो इसके बिना, इसके ऊपर बोले बिना रहा नहीं गया। लेकिन एक चीज के लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के आप सबको धन्यवाद करूंगी, आभार प्रकट करूंगी संपूर्ण दिल से, अपने संपूर्ण मन से, कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी और उसके ऊपर आपने इतना अच्छा मुझे रिस्पांस दिया है, इतना प्यारा रिस्पांस दिया है, मैं इस चीज की बिल्कुल कल्पना नहीं कर रही थी। और मैं सीरियसली गदगद हूं, मैं सीरियसली मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। हालांकि मैं सब भाइयों के बहनों के उसके रिप्लाईज भी नहीं कर पाई हूं, बिकॉज फेसबुक मुझे करने नहीं दे रहा है, बार बार मुझे डिबार कर देता है, बार बार मुझे लॉग आउट कर रहा है, लेकिन मैं उसमें आपसे वादा करती हूँ 2-3-4 दिन में मैं सबके रिप्लाईज भी कर दूंगी उसके ऊपर। मैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। दोबारा काम पे आते हैं, ये दोनों चीजें करनी है, याद रखिए। अभी थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगी, हम सब वहां पे इकट्ठे होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभ रात्रि।